भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी काफी दिनों से अपनी पत्नी की तरफ से लगाए गए आरोपों के चलते मुश्किल में हैं। और हमने आपको बताया था कि अब उनके आईपीएल खेलने पर सस्पेंस हट गया है। ऐसे में अब दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी इस बात का ऐलान कर दिया है कि तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से खेलेंगे। शमी के आईपीएल में खेलने की मंजूरी इसलिए दी गई है क्योंकि इसके पीछे है खास वजह, और वो वजह है बीसीसीआई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने इसकी अनुमति दे दी है कि शमी आईपीएल में खेलें। असल में विवाद के कारण भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने शमी को केंद्रीय अनुबंध में जगह नहीं दी थी, साथ ही उनके आईपीएल खेलने पर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन अब शमी को आईपीएल में खेलने देने को लेकर फैसला हो चुका है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शमी को लेकर यह बड़ा फैसला हुआ। बीसीसीआई का कहना है कि शमी एक असाधारण खिलाड़ी हैं और वो जरूर खेलेंगे। अपनी पत्नी के तमाम तरह के आरोप झेल रही मोहम्मद शमी ने कहा है कि कोई तीसरा शख्स उनका घर बर्बाद करने पर तुला हुआ है और वही हसीन के कान भर रहा है। शमी ने साथ ही कहा कि इस मामले में उन्हें कुछ भी साबित नहीं करना है, जो भी साबित करना है उनकी पत्नी हसीन जहां को करना है, क्योंकि आरोप उन्हीं ने लगाए हैं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।